गुरु गोविंद सिंह के तीर और तलवार रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये तीर सर पवित्र सरोवर है, इसकी एक कहानी है जो भी आपको आगे बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज आए हैं हम आलमगीर गुरुद्वारा साहिब लुधियाना, मंजी साहिब गुरुद्वारा लुधियाना। दोस्तों ये गुरुद्वारा साहिब एक महत्वपूर्ण इतिहास रखते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी उच्च पीर बनकर जंगल के रास्ते से होते हुए सन 1761 में इस स्थान पर आए थे, चमकौर साहिब से युद्ध लड़ते हुए इस स्थान पर आए थे। बताया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ तीन भाई, दया सिंह जी, भाई मान सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी और दो मुसलमान भाई नबी खां और भाई गनी खां के साथ यहाँ आए थे। दोस्तों ये मेन द्वार है गुरुद्वारा आलमगीर साहिब का, और यहाँ पे चप्पल जूते रखने की जो व्यवस्था होती है गुरुद्वारा साहिब में, जो गुरु के सिंह सेवा करते हैं वो यहाँ पे आप चप्पल और जूते यहाँ पे रख सकते हैं, आपको बाकायदा टोकन दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने प्रसाद लिया और ये आप देख पा रहे होंगे अंदर की तरफ का सारा दृश्य गुरुद्वारा साहिब का, आलमगीर गुरुद्वारा साहिब का, मंजी साहिब गुरुद्वारे का, और आप देख पा रहे होंगे गुरु के सिंह, गुरु के सिख सभी यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, मत्था टेकने आए हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे निशान साहिब, यहाँ पे हमने भी माथा टेका और दर्शन किए निशान साहिब के। और अब चलते हैं अपन अंदर की तरफ। दोस्तों चलते हैं अंदर की तरफ, आप देख ही पा रहे होंगे गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाने से पहले आपको पैर पानी में धोने पड़ते हैं, जो यहाँ पे भरा होता है पानी, उसमें पानी में धो के फिर अंदर की तरफ आप जा पाते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कितना मनमोहक दृश्य है गुरुद्वारा साहिब का, और यहाँ पे गुरु के सिख, गुरु के सिंह सभी आए हुए हैं। और अंदर की तरफ आ गए हैं हम, आप देख पा रहे होंगे गुरुद्वारा साहिब सामने की तरफ, आगे की तरफ हैं, और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के अस्त्र शस्त्र तलवार और तीर सभी रखे हुए हैं। और गुरुद्वारा साहिब के अंदर जो पंथी, जो गुरु के सिख सेवा कर रहे हैं वो आप देख ही पा रहे होंगे, और यहाँ पे सभी लोग, सभी गुरु के बंदे, गुरु के सिख, गुरु के सिंह यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों चलते हैं अब एक पवित्र सरोवर के पास, उसकी एक कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। बताया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी जब चमकौर साहिब से युद्ध लड़ते हुए यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने आराम किया तो उनको प्यास लग जाती है। प्यास लगने की वजह से वो गुरु के जो सिंह होते हैं, गुरु के जो सिख होते हैं, गुरु के जो सैनिक होते हैं, वो आसपास देखते हैं कहीं पानी है क्या। पानी नहीं मिलने की वजह से बताया जाता है कि वहाँ पे एक माई दिखाई देती है, उसके कोढ़ की बीमारी होती है, तो उस माँ को पूछते हैं कि यहाँ पे कोई पानी है क्या, तो वो माँ बताती है कि यहाँ पे कुआ है, कुएँ में कोई आसपास जाता नहीं क्योंकि वहाँ पे एक अजगर सांप रहता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी को जब ये बात पता चलती है तो गुरु गोविंद सिंह जी एक तीर निकाल के उस कुएं में मारते हैं, तो वो तीर जाके अजगर को लग जाता है, तो अजगर ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ के गुरु के जो सिंह थे, गुरु के सिख थे, वो बताते हैं कि इस अजगर को मारने की वजह से अब ये पानी ख़राब हो गया, तो वो पानी पीने लायक नहीं रहा। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी दोबारा से एक तीर निकालते हैं और वहाँ की मिट्टी, वहाँ की धरती में मारते हैं, तो वहाँ पर एक पानी की धार निकलती है ज़मीन में से, तो उसी धार से ये पवित्र सरोवर बनता है। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने प्यास मिटाई और गुरु के सिंहों ने, गुरु के सिक्कों ने वहाँ पे पानी पिया, और गुरु गोविंद सिंह जी को जब वो जो माई के, जो माँ के कोड होता है, तो माँ ने गुरु गोविंद सिंह जी से विनती करी कि मेरी कोड की बीमारी भी दूर हो, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया कि इस सरोवर में आप स्नान कर लो तो वो यहाँ से आपकी कोड की बीमारी दूर हो जाएगी। तो वो माँ यहाँ पे स्नान करती है तो वो कोड की बीमारी भी दूर हो जाती है। तो उस दिन के बाद में यहाँ पे पवित्र सरोवर तीरसर सरोवर बोला जाता है, यहाँ पे तीरसर सरोवर भी बोला जाता है, और बहुत ही पवित्र सरोवर है। फिर उस माँ ने यहाँ स्नान किया तो उनकी भी बीमारी ख़त्म हो जाती है, और ऐसी मान्यता भी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी रोग होगा वो यहीं पे नष्ट हो जाएगा इस सरोवर में स्नान करने से। तो आप देख ही पा रहे होंगे सब गुरु के सिंह, गुरु के बंदे चारों तरफ स्नान कर रहे हैं, सभी यहाँ पे इस पवित्र जल को ग्रहण कर रहे हैं, और सभी लोग मत्था टेक रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और जो सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं वो ही कुआं है जिसके हमने अभी चारों तरफ परिक्रमा की, और आप देख पा रहे होंगे सरोवर,
जहाँ पे प्यास बुझाने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु के सिख गुरु के जो सिंह होते हैं वो साथ में चल देते हैं दूसरी जगह के लिए। तो बताया जाता है कि चलते समय भाई नदया सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह को घोड़ा भेंट किया था इस स्थान से जाते समय। और आप देख ही पा रहे होंगे सरोवर में अच्छी अच्छी मछलियाँ भी हैं, लाल रेड कलर की भी हैं और बाकी भी हैं। और यहाँ गुरु के सिख और गुरु के जो बच्चे हैं वो अपना जल ग्रहण कर रहे हैं, पवित्र जल को सर पे लगा रहे हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। और यहाँ से हमने जल ग्रहण किया, प्रसाद लिया, जल का प्रसाद लिया और फिर हम यहाँ से जाते हैं लंगर हॉल के लिए, जहाँ पे लंगर पंजाबी में लंगर बोला जाता है, वैसे खाना खाने का हॉल होता है, यहाँ पे लंगर बोला जाता है, लंगर हॉल में जाते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे सभी गुरु के जो सिंह हैं, गुरु के सिख हैं, जो गुरु के बंदे हैं, यहाँ पे कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, यहाँ पे सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। और बताया जाता है कि आसपास के सभी गुरुद्वारा साहिब में सबसे बड़ा हॉल है ये। और गुरु के जो निहंग सिख हैं वो देख ही पा रहे होंगे आप किस तरीके से सेवा कर रहे हैं, आप सामने की तरफ वो खड़े भी हैं, आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता, यहाँ पे सभी लोग मिल के सेवा करते हैं। और आप यहाँ पे जब भी जाएं, आप कहीं भी गुरुद्वारा साहिब में जाएंगे तो आपको एक अलग अनुभव और अलग ही शांति सुकून महसूस होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।